Hello and welcome to Shivangi Education. In this video, we'll talk about the topic is Sesamia inferens. Sesamia inferens is also known as wheat stem borer or pink stem borer. Sesamia inferens is a geological name, means scientific name. Wheat stem borer or pink stem borer is a common name. Guys, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि Sesamia inferens का नाम wheat stem borer क्यों पड़ा. Wheat means होता है गेहूँ, stem means होता है तना, borer means होता है खोखला. ये गेहूं के तने को खोखला करते हैं, इसीलिए Sesamia inferens का नाम wheat stem borer पड़ा. आगे हम इसको सीरियल वाइज पढ़ेंगे जैसे हमें पेपर में लिखना है. तो फर्स्ट पॉइंट है सिस्टेमेटिक पोजीशन. सिस्टेमेटिक पोजीशन के अंदर सबसे पहले है फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीसीज. फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. गाइज, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, मीन्स जितने भी कीट होते हैं, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं. क्लास है इंसेक्टा. ऑर्डर है लेपिडोपटेरा. लेपिडोपटेरा एक इंसेक्ट होते हैं, मीन्स एक कीट होते हैं जो अनाज और सब्जियों को नुकसान पहुँचाते हैं. जीनस है सिसेमिया. स्पीसीस है इन्फेरेंस. ओके एवरीवन, सेकेंड मेन पॉइंट है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ये कहाँ कहाँ पर होता है. वीट स्टेम बोरर इज फाउंड इन ऑल ओवर इंडिया. इट इज़ आल्सो फाउंड इन चाइना, पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया एसेट्रा. वीट स्टेम बोरर मीन्स Sesamia inferens पूरे भारत में पाया जाता है और ये भारत के अलावा चाइना में, पाकिस्तान में, जापान में, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है. ओके गाइस, थर्ड मेन पॉइंट है होस्ट प्लांट. दिस पेस्ट फीड्स अपॉन वीट, ज्वार, मेज, पेडी, पेडी इज़ ए राइस एंड सुगर केन एसेट्रा. ये गेहूं से भोजन प्राप्त करते हैं और गेहूं के अलावा ये ज्वार, मेज, पेडी और सुगर केन पे भी पाए जाते हैं. फोर्थ मेन पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, मीन्स ये देखने में कैसे होते हैं. अडल्ट मोथ, गाइस मोथ को हम इंसेक्ट कहते हैं. अडल्ट मोथ इज अबाउट 14 to 17 मिलीमीटर लॉन्ग एंड इट हैज़ डार्क स्ट्रॉ और लाइट ब्राउन कलर. अडल्ट मोथ लगभग 14 से 17 मिलीमीटर लंबे होते हैं और ये कलर में डार्क स्ट्रा मीन्स लाइट ब्राउन कलर के होते हैं. एज फॉर ए विंग्स, फॉर ए विंग्स आगे वाले दो विंग्स होते हैं गाइस. एज फॉर ए विंग्स वियर ग्रेइश ब्लैक लाइंस स्टैंडिंग अप टू द टिप ऑफ द विंग्स फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट. एज फॉर ए विंग्स ग्रेइस ब्लैक लाइनों में सेंट्रल पॉइंट से विंग्स की टिप पर एक्सटेंडिंग होते हैं. हिंड विंग्स आर वाइट. जो हिंड विंग्स होते हैं गाइस, मीन्स जो पीछे के विंग्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं. मोथ आर नॉकटर्नल. नॉकटर्नल का मतलब है गाइस, ये रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं. इसमें मोथ कैसे होते हैं? नॉकटर्नल होते हैं. ठीक है गाइस, फिफ्थ मेन पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ Sesamia inferens. कभी कभी एग्जाम में 4 मार्क्स में ये भी पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ Sesamia inferens. तो देखो, इट इज़ कंप्लीट इन 4 स्टेज. Sesamia inferens की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 4 स्टेज में. फर्स्ट इज एग, सेकेंड इज लार्वा मीन्स कैटरपिलर, थर्ड इज प्यूपा एंड फोर्थ इज अडल्ट. ये देखो गाइस, ये लाइफ साइकिल है. फर्स्ट इज एग, सेकेंड इज लार्वा मीन्स कैटरपिलर, थर्ड इज प्यूपा एंड फोर्थ इज अडल्ट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग. एग के अंदर हम पढ़ेंगे एग कितने नंबर में होते हैं, एग कहाँ पर और किस तरह से लगे होते हैं, एग की शेप क्या है, एग की कलर क्या है और एग कितने दिन में फूट के लार्वा में चेंज होते हैं. गाइस, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले एग. अडल्ट फीमेल मोथ लेस
अबाउट 300 एग। गाइस पता चल गया ये कितने नंबर में देते हैं, 300 नंबर में एग लेस करती हैं। इन 2 to 3 रो ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लीफ सीट ऑफ द होस्ट प्लांट, ये 2 से 3 रो में होस्ट प्लांट की लीफ सीट के इनर सरफेस पर लगे होते हैं। यहाँ पर देखो गाइस, ये जो एग होते हैं वो 2 से 3 रो में होस्ट प्लांट के लीफ सीट की इनर सरफेस पर लगे होते हैं। गाइस कितने रो में लगे होते हैं, 2 से 3 रो में लगे होते हैं, और कहाँ पर लगे होते हैं, लीफ सीट के इनर सरफेस पर लगे होते हैं। आगे देखो, एग आर राउंडेड विथ फ्लैटेंड पोल, एग जो हैं वो राउंडेड होते हैं और उसके साथ साथ उसके जो पोल्स होते हैं वो चपटे होते हैं। एग आर पिंक टू वॉयलेट इन कलर, एग की कलर पिंक टू वॉयलेट कलर की होती है। विद इन 5 to 8 डेज एग हैच इनटू लार्वा, एग 5 से 8 दिनों में हैच होके मींस फूट के लार्वा में चेंज होते हैं। ठीक है गाइस, कितने दिन में ये फूटते हैं, 5 से 8 दिनों में ये फूट के लार्वा में चेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लार्वा मीन्स कैटरपिलर। तो देखो गाइस, लार्वा की बॉडी पिंक कलर की होती है लेकिन इसकी जो हेड है ये ऑरेंज रेड कलर की होती है। तो देखो, यंग कैटरपिलर हैव पिंक बॉडी विथ ऑरेंज रेड हेड एंड आर 10 मिलीमीटर लॉन्ग। कैटरपिलर मीन्स लार्वा की बॉडी पिंक कलर की होती है और हेड ऑरेंज रेड कलर की होती है और ये लगभग 10 मिलीमीटर लंबे होते हैं। गाइस ये मेजरमेंट में इसकी साइज कितनी होती है, 10 मिलीमीटर होती है। आगे देखो, दे बोर, बोर मीन्स होता है खोखला, इनटू द स्टेम मीन्स तने को, ऑफ वीट प्लांट मीन्स गेहूं के पौधे को, टू फीड मीन्स भोजन के लिए, ये भोजन के लिए वीट प्लांट के स्टेम को खोखला करती हैं। दे नेवर फीड ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द वीट प्लांट, एक्सपोज्ड पार्ट का मीन्स होता है दूसरे हिस्से को, लेकिन ये वीट प्लांट के दूसरे हिस्से को मीन्स एक्सपोज्ड पार्ट को कभी नहीं खाती। इसमें डैमेज कॉजिंग स्टेज कौन सी है गाइस, लार्वा है। लार्वा चेंज इनटू प्यूपा, लार्वा किस में चेंज होती है, प्यूपा में चेंज होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्यूपा। तो आगे देखो, फुली ग्रोन कैटरपिलर अंडरगो प्यूपेशन, दे प्यूपेट इन ए रफ कोकून ऑफ सिल्क, ये रेशम के कोकून में प्यूपेट छोड़ते हैं। और गाइस प्यूपा चेंज होते हैं अडल्ट में। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अडल्ट, प्यूपा मेटामॉर्फ इनटू द अडल्ट, प्यूपा चेंज होती है अडल्ट में विद द हेल्प ऑफ मेटामॉर्फ। द एवरेज लाइफ ऑफ द अडल्ट मोथ इज 6 to 14 डेज। और गाइस एक अडल्ट मोथ की एवरेज लाइफ कितनी होती है, 6 से 14 दिनों की होती है। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ डैमेज। कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में ये भी पूछ लिया जाता है नेचर ऑफ डैमेज। तो इसमें देखो, द कैटरपिलर मीन्स लार्वा इज द डैमेज कोजिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिसेमिया इन्फेरेंस। सिसेमिया इन्फेरेंस की लाइफ साइकिल में डैमेज कोजिंग स्टेज कौन सी है गाइस, लार्वा है मीन्स कैटरपिलर है, क्योंकि ये सूट को अंदर से खोखला करती है। ठीक है गाइस, दे अटैक एंड किल यंग सूट, ये यंग सूट पर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। 7th पॉइंट है कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल के अंदर 1st पॉइंट है मैकेनिकल कंट्रोल, लाइट ट्रैप शुड बी सेट इन फील्ड, लाइट ट्रैप को खेत में सेट करेंगे टू ट्रैप द मोथ एंड वी डिस्ट्रॉय, और मोथ को डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर देंगे। 2nd है इसी के अंदर इन्फेस्टेड सूट शुड बी हैंड पिकेड एंड डिस्ट्रॉय, इन्फेस्टेड सूट को मीन्स पीड़ित सूट को हाथों से पकड़ कर मीन्स हाथों से चुन कर उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। कंट्रोल के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल, 1st है डाइक्लोरवास 76% EC का यूज़ करना चाहिए। 2nd है फोरेट
10% का यूज़ करना चाहिए, एंड थर्ड है कार्बेराइल का यूज़ करना चाहिए। सो गाइज ये था सेसेमिया इन्फेरेंस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।